देश को आजादी के इस अमृत काल तक लाने में उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15, 20, 25 साल पहले इस सेवा में आए। अब आजादी के इस अमृत काल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15, 20, 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। इसलिए मैं आज भारत के हर सिविल सेवा अधिकारी से यही कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात पे आपको भरोसा होगा। हो सकता है कुछ लोग न भी मानते हो कि वो भाग्यशाली नहीं है। अपनी अपनी सोच, हर किसी को मुबारक। आपको इस कालखंड में देश की सेवा करने का मौका मिला है। आजादी के अमृत काल में देश के स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का दायित्व हम सभी पर है। हमारे पास समय कम है लेकिन सामर्थ्य भरपूर है। हमारे लक्ष्य कठिन है लेकिन हौसला कम नहीं है। हमें पहाड़ जैसी ऊंचाई भले चढ़नी है लेकिन इरादे आसमान से भी ऊंचे, ज्यादा ऊंचे हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत आज जहां पहुंचा है उसने हमारे देश को बहुत ऊंची छलांग के लिए तैयार कर दिया है। मैं अक्सर कहता हूं कि देश में ब्यूरोक्रेसी वही है, अधिकारी कर्मचारी वही है लेकिन परिणाम बदल गए हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत अगर विश्व पटल पर एक विशिष्ट भूमिका में आया है तो इसमें आप सबका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 9 वर्षों में अगर देश के गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला है तो इसमें भी आपकी मेहनत ने रंग लाया है। पिछले 9 वर्षों में अगर भारत के विकास को नई गति मिली है तो ये भी आपकी भागीदारी के बिना संभव नहीं था। कोरोना के महासंकट के बावजूद आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत फिनटेक वर्ल्ड में छाया हुआ है। डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत नंबर 1 है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है। आज भारत में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 2014 के मुकाबले आज देश में 10 गुना ज्यादा तेजी से रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। 2014 के मुकाबले आज देश में 2 गुनी रफ्तार से नेशनल हाईवेज का निर्माण हो रहा है।
2014 के मुकाबले आज देश के पोर्ट्स में कैपेसिटी ऑगमेंटेशन लगभग दोगुना हो चुका है। 2014 के मुकाबले आज देश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी दोगुना से ज्यादा हो चुकी है। आज यहां जो पुरस्कार दिए गए हैं वो देश की सफलता में आपकी इसी भागीदारी को प्रमाणित करते हैं, आपके सेवा भाव को परिलक्षित करते हैं। मैं सभी पुरस्कृत साथियों को फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं।